क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 90 कराने जा रहा हूं। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इक्वल टू 0 माइनस 1 4 माइनस 3 मैट्रिक्स है ये। बी इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस 5 6 एंड 3a इंटू m इज इक्वल टू 2b। फाइंड मैट्रिक्स m, यानी मैट्रिक्स m को हमें फाइंड करना है। तो पहले यहाँ m की मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगे। ये 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स में आएगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट m इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है, a b। चलिए अब आगे जो ये दे रहा है, तो पहले 3a निकाल लेते हैं, फिर इंटू m करेंगे, फिर 2b। So, सबसे पहले 3a फाइंड करते हैं। तो 3 और मैट्रिक्स a लिख लीजिए। 0 माइनस 1 है, 4 है, माइनस 3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो अंदर सबके साथ, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है इसकी। तो कितना आ जाएगा, 3 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 3 की माइनस 1 से करेंगे माइनस 3, 3 की 4 से 12 हो जाएगा, 3 की माइनस 3 से तो माइनस का 9 आ जाएगा। चलिए ये आ गया आपका 3a। अब निकालना है आपको इंटू एम। सो 3a इंटू एम कर दीजिए। तो 3a लिख लें पहले। 0 माइनस 3 है, 12 है और माइनस 9 है, और इसकी m से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब a इंटू बी। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें रूल वही लगाना है, आर सी आर वाला। आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, फिर रो में। तो ये r कितना है, 0 है यहाँ पे देखो, इंटू a आ जाएगा, प्लस माइनस 3 है ये, इंटू b आ जाएगा, फिर 12 है इंटू a आ जाएगा, 12 इंटू a, प्लस माइनस 9 इंटू b। चलिए सिंप्लीफाई करिए और इसको। तो ये तो 0 हो गया और माइनस का 3 भी हो गया, इधर से 12a हो गया और माइनस का 9b हो गया। चलिए बिल्कुल ठीक हो चुका है ये। ये आया है 3a इंटू m। अब हमें देखना है 2b, तो 2b भी निकाल दीजिए। 2b निकालना है तो 2 इंटू b लिख लेते हैं। ये माइनस का 5 है और 6 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई देगी, तो माइनस का 2 5 जा 10 हो गया और 2 6 जा 12 हो गया। अब हमें जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं। ये गिवन है 3a इंटू m इज इक्वल टू 2b। रख दीजिए इसकी वैल्यू, हमने ये निकाली है बच्चों, देखो कितनी है। ये है हमारे पास माइनस का 3b है और 12a माइनस 9b विच इज इक्वल टू माइनस 10 एंड 12। ये आ जाएगा आपका माइनस 3b इस 12 के साथ, मतलब ये मल्टीप्लाई में इक्वल करने हैं, तो माइनस का 3b इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 10 हो गया। तो b इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 10/3 आ जाएगा। ये ऐसे ही नीचे वाले को इक्वल कर देंगे, ये आ जाएगा 12a माइनस 9b इक्वल टू कितना है, 12 हो गया। यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 12a माइनस 9b कितना है, 10/3 इक्वल टू 12। सो 3 3 जा 9 हो गया, कितना आ गया, 12a माइनस का 30 हो जाएगा इक्वल टू 12। सो 12a इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस का 12। सो 12a इक्वल टू कितना ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। सो a विल बी 42 डिवाइडेड बाय 12। तो देख लेते हैं, 6 2 जा और 6 7 जा, कितना आ गया, ये 7/2 आ गया। इट मीन्स कि ए भी निकल गया है और बी भी। ए निकला है आपका 7/2 एंड बी निकला है आपका कितना, 10/3। तो मैट्रिक्स हमें एम निकालनी थी,
तो m कितनी हो जाएगी, सो m इज इक्वल टू ए बी है तो 7/2 हो गया और 10/3 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिक्स है A3 4 1 plus 2 B 1 minus 2 minus 1 1 minus 2 C equal to 5 7 0 3 मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो चलिए लिख लेते हैं पहले मैट्रिक्स को हम। ये है A3 4 1 प्लस यहां से है 2 B और 1 minus 2 है, माइनस का यहां से 1 1 minus 2 C इक्वल टू कितना है बच्चों, ये है 5 0 और 7 3 है ये। चलिए इसको इसमें अप्लाई करना चालू करते हैं। पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, तो ए प्लस 2 हो जाएगा। क्या नहीं मिला था? चलो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस बी, और ये 4 और 1 के साथ आएगा तो 4 प्लस 1 आ गया, फिर आएगा 1 और -2 तो ये आ गया 1 minus 2। यहां पर माइनस का लेना है मैट्रिक्स 1 1 minus 2 और सी है मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, इक्वल है ये किसके, 5 0 मैट्रिक्स है ये और 7 3 के इक्वल है। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये जाकर के माइनस भी हो जाएगा इसमें, तो ए प्लस 2 माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ यहाँ क्या है, 3 प्लस बी है और ये माइनस का 1 एक और आ जाएगा। इधर से 4 प्लस 1 5 हो गया और इधर से माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1 minus 2 माइनस का 1 आ गया, और इधर से जो है सी है माइनस का, तो माइनस का सी हो जाएगा और ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। यहाँ से आ गया 5 7 और ये 0 3 मैट्रिक्स सही है। चलिए अब सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको भी, तो ए प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस 2 और माइनस 1, यहाँ से 3 minus 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 plus b हो जाएगा ये। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ से -1 -3 और इक्वल टू किस मैट्रिक्स के है, ये है 5 0 7 3। चलिए अब कंपेयरिंग करनी चालू कर देते हैं, तो ए प्लस 1 जो है यहाँ का इस 5 के इक्वल हो जाएगा, सो ए इक्वल टू 5 minus 1, सो ए कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली सेकेंड को देखते हैं, मतलब ए को बॉक्स में बंद कर दीजिए ये, और ये 2 भी देखिए 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 plus b इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि b इक्वल टू -2 आ गया है। ऐसे ही सी वाला देख लेते हैं, यहाँ 7 7 देखो इक्वल आ रहा, माइनस का ये 1 है और माइनस का सी है, इक्वल टू कितना है, 3 है, सो माइनस सी इक्वल टू 3 plus 1 हो गया, सो माइनस सी इक्वल टू 4 आ गया, सो सी इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये है माइनस की 2, और सी जो निकल गया है वो माइनस का 4 आ गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 2 1 एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 1 2, फाइंड ए फिर बी ए इंटू बी ए फिर ए बी इंटू बी। चलिए इनको निकालने की कोशिश करते हैं, तो पहले हम बी ए निकाल लेते हैं, बी ए पहले बी मैट्रिक्स ले लीजिए कितना है 2 1 1 2, फिर ए लिख लेते हैं, ए है 1 2 और 2 1 है। चलिए इसके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में तो 2 की 1 से हो जाएगा, रूल्स वही लगाना है आर सी आर वाला है, रो की कॉलम से करेंगे रो में लिखना है, तो ये रो है और ये कॉलम है, तो 2 की 1 से हो जाएगी, सो 2 into 1 हो गया, प्लस 1 की 2 से हो जाएगी, 1 into 2 हो गया, फिर 2 की इस 2 से आ जाएगी, सो 2 into 2 प्लस इस 1 की इस 1 से हो जाएगी, तो 1 into 1, ऐसी इस 1 की इस 1 से होगी तो 1 into 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 into 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 की इस 2 से हो जाएगी तो 1 into 2 हो गया, प्लस फिर 2 की इस 1 से हो जाएगी तो 2 into 1 आ जाएगा।
चलिए और सिंपलीफाई कर दीजिए, तो टू वन जै टू हो गया, टू वन जै ये भी टू ही हो गया, यहाँ टू टू जै फोर हो गया, फिर वन इंटू वन वन ही रहेगा, यहाँ वन आ गया और ये प्लस का फोर आ गया, और यहाँ पर टू है और प्लस का टू और है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ टू और टू फोर हो गया, और ये फोर और वन फाइव हो गया, और यहाँ से फाइव और वन फोर फाइव हो जाएगा, टू और टू फोर हो गया। ये हमने निकाला है बी, ए हमें क्या निकालना है, ए इंटू हम फर्स्ट वाले की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट वाला चालू किया, ए इंटू बी ए निकालना है, तो ए इंटू क्या आ जाएगा, बी ए। चलिए पहले ए को लिख लेते हैं, ए है वन टू और टू वन है, बी ए भी लिख लीजिए, ये है फोर फाइव और फाइव फोर है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके लिए वही आर सी आर का रूल लगाना है, फर्स्ट ये हो जाएगा वन इंटू फोर, वन इंटू फोर फिर प्लस टू इंटू फाइव, ऐसी वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू फोर, सेकेंड देखिए टू इंटू फोर हो जाएगा प्लस वन इंटू फाइव, फिर टू इंटू फाइव आएगा, फिर वन इंटू फोर। सिंप्लीफाई करिए जरा इसको, और यहाँ टू वन फोर की फोर हो जाएगा और फाइव टू या टेन हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, फाइव इंटू वन फाइव हो जाएगा और प्लस का फोर टू या एट हो जाएगा, यहाँ एट हो जाएगा और प्लस का फाइव हो जाएगा, टू फाइव या टेन हो जाएगा और प्लस का फोर हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा करना है, कितना आ गया फोर और वन ये टेन, फोर्टीन हो जाएगा, यहाँ से फाइव और एट थर्टीन हो जाएगा, एट और फाइव थर्टीन हो जाएगा, और टेन और फोर कितना हो जाएगा, फोर्टीन आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चों, जरा क्या इसका सेकंड पार्ट कह रहा है। सेकंड पार्ट में पहले ए बी निकालना है, ये ए बी देखो कहा गया, तो लेता हूँ सेकंड पार्ट जरा, सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी निकाल लेते हैं, पहले ए लिख लीजिए, तो वन टू और टू वन मैट्रिक्स है, फिर बी लिख दीजिए, बी में है टू वन और वन टू है, देखिए वन इंटू टू हो जाएगा और प्लस टू इंटू वन हो जाएगा, रूल वही लगाना आर सी आर का, टू इंटू वन, फिर वन इंटू वन आ जाएगा प्लस टू इंटू टू हो जाएगा, फिर यहां से टू इंटू टू आएगा, फिर प्लस वन इंटू वन हो जाएगा, फिर टू इंटू वन आएगा, फिर वन इंटू टू आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, टू वन जा टू आ गया, टू वन जा टू यहाँ भी आ जाएगा, वन वन जा वन रहेगा और टू टू जा फोर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी टू टू जा फोर हो गया प्लस यहाँ टू वन 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 जा वन, यहाँ पर टू वन जा टू आ गया प्लस वन टू जा टू, और सिंप्लीफाई करिए इसको, तो टू और टू कितना हो गया, फोर हो गया, फोर और वन कितना हो गया, फाइव, यहाँ फोर और वन फाइव हो गया, यहाँ टू और टू फोर हो गया। चलिए ये जो निकल के आया बच्चों, ए भी निकल के आया है, अब हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई बी से करना है, तो चलिए ए बी इंटू बी करना है, पहले ए बी लिख दीजिए, तो फोर फाइव है और फाइव फोर है, फिर b लिखना है आपको, तो लिख दीजिए b है हमारे पास टू वन और वन टू, चलिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई के लिए वही आर सी आर का रूल चलेगा, सो फोर इंटू टू आएगा प्लस फाइव इंटू वन हो जाएगा, फिर फोर इंटू वन आएगा प्लस फाइव इंटू टू हो जाएगा, नेक्स्ट है फाइव इंटू टू प्लस फोर इंटू वन, फिर फाइव इंटू वन हो जाएगा प्लस
फोर इंटू टू हो जाएगा। चलिए आगे सिंप्लीफाई करिए, कितना आएगा, ये आ गया 4 2 8 और प्लस का 5 1 5, यहाँ 4 1 4 और प्लस 5 2 10, यहाँ 5 2 10 हो गया और प्लस का 4 1 4, यहाँ से 5 1 5 हो गया और प्लस का 4 2 8 हो गया, कितना आ गया इसका 8 और 5 हो गया 13 और ये कितना हो गया 14 और यहाँ पर भी 14 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। ये है आपका क्या आया है, ए बी इंटू बी आया है और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स एंड वाई इफ मैट्रिक्स एक्स 3x वाई 4y इंटू मैट्रिक्स 2 1 इक्वल टू मैट्रिक्स 5 12। तो चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। ये है आपका एक्स 3x और दूसरा है y और 4y। इसके साथ है 2 1 मैट्रिक्स और ये है फिर मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये है 5 12 के इक्वल है। चलिए और सिंप्लीफाई करिए इसको, आर सी आर का ही रूल लगाना है ना, रूल चेंज नहीं करना बच्चों। तो चलते देखते हैं x किस 2 से हो जाएगी, तो x इंटू 2 हो गया प्लस का 3x इंटू 1 हो जाएगा, फिर y की 2 से हो जाएगी तो y इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4y की 1 से हो जाएगी 4y इंटू 1, इसका टू कितना हो गया ये 5 और 12 है मैट्रिक्स का। और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो हो गया 2x प्लस का 3x, नीचे आ जाएगा 2y और प्लस का 4y इक्वल टू हो गया 5 12। अब कितना हो जाएगा 2 और 3 5x हो जाएगा और नीचे 2 और 4 6y हो जाएगा, ये किसके इक्वल है 5 और 12 के इक्वल है। कंपेयरिंग कर दीजिए तो 5x is equal to 5 हो जाएगा, सो x equal to 5 divided by 5, 5 will be 5, सो x equal to 1 आ गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में जो है 6y है, 6y is equal to 12 हो गया, सो y is equal to 12 divided by 6, 6 will be 6, 6 to the 12, तो y कितना 2 आ गया, यानी x की वैल्यू जो आई वो 1 आ गई, y कितनी आ गई 2 आ गई है और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इफ मैट्रिक्स x इक्वल टू मैट्रिक्स -3 4 2 -3 इंटू 2 इंटू माइनस, ये -2 है इसमें, एंड 2x -3y इक्वल टू 10 -8, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक्स को ही निपट लेते हैं, एक्स इतना दिया हुआ है, ये दिया है माइनस का 3 है 4 है और 2 -3 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 -2 से करनी है। चलिए आगे देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा आपका -3 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 2, फिर 4 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 4 इंटू -2, फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा प्लस -3 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा और 4 टू जा 8 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से 2 टू जा 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6, और सिंप्लीफाई करिए ये माइनस का 14 हो जाएगा, -6 -8 और 6 और 4 ये 10 आ जाएगा आपका। ये आपका बच्चों x है जो कि आंसर है, यहां से लेट करना है लेट y इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी, ये हमने ए बी मैट्रिक्स ले लिया है
और इसके बाद जो करने के लिए उन्होंने कहा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ कहा है 2x माइनस का 3y इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है कितनी 10 और माइनस 8। चलिए रख दीजिए, तो यहाँ 2x है तो 2 इंटू एक्स, एक्स को लिख लेते हैं। x कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ से ये निकल गया माइनस का 14 है और प्लस का 10 है। माइनस 3y है इक्वल टू यहाँ है 10 और माइनस का 8। चलिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 14 टू जा 28 और 10 टू जा 20। माइनस का 3y है इसका तो कितना है 10 है और माइनस 8। चलिए 3y को इधर ले आइए, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 28 20, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 10 और माइनस का ये 8 हो गया इज इक्वल टू 3y हो गया। सो 3y इधर लिख लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस का 28 है और माइनस का 10 हो जाएगा और 20 है और माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। सो वाई इक्वल टू 1/3 कर दीजिए इधर और ये मैट्रिक्स शो कर देते हैं कितना है, माइनस का ये 28 है माइनस का 10 है तो माइनस का 38 हो जाएगा, 20 प्लस 8 तो 28 हो जाएगा आपका, और यही आपका आंसर हो जाएगा, वाई ही इतना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 11 है ये। गिवन है ए इक्वल टू 2 मैट्रिक्स है 2 माइनस 1 2 0 एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस 3 2 4 0 एंड सी इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 2। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 2b प्लस सी। यहां पर x को फाइंड करना है बच्चों, तो यहां से x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, यहां आ गया 2b प्लस का c और माइनस का a। चलिए 2b b को रख देते हैं, b हमारे पास ये रहा माइनस का 3 और 2 40 यहां आ गया और प्लस का c है, c हमारे पास ये दिया हुआ है 1 1 0 0 2 और माइनस का a लेना है तो माइनस का a ये है 2 माइनस 1 है और 2 0 है। चलिए सिंप्लीफाई करिए, पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 6 हो जाएगा और ये 2 किससे करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 2 4 8 हो जाएगा और यहाँ 2 0 0 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है। प्लस का यहाँ दिया हुआ है 1 0, इसको माइनस कर देते हैं बच्चों तो 1 माइनस 2 कर दें, यहाँ 0 माइनस माइनस प्लस कर देगा 1 और 0 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे और 2 माइनस 0 आ जाएगा। चलिए और सिंप्लीफाई करना है इसको, कितना आ जाएगा माइनस का 6 है और ये 4 है और यहाँ 8 है और ये 0 है, प्लस यहाँ से माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 फिर माइनस का 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो माइनस का 6 इंटू माइनस 1 फिर 4 इंटू नो ये प्लस करना है बच्चों, यहाँ पे 4 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 2 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो माइनस का 7 आ गया यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ से 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा। ये क्या निकल के आ रहा है बच्चों, ये x निकल के आया और यही मांगना था, मतलब ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालना चालू करेंगे, तो a स्क्वायर दैट मींस a इनटू a लेना है। सो पहले a लिख लीजिए, 2 है 12 है और 0 1 है, फिर एक बार और लिख दीजिए 2 है 12 है और 0 1, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। सो 2 इंटू 2 हो जाएगा, सो 2 इंटू 2 प्लस का ये 12 इंटू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये 0
फिर 2 इंटू 12 आएगा, 2 इंटू 12 और प्लस का 12 इंटू 1 आ जाएगा, ऐसे 0 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा 1 इंटू 0, फिर यहां पर 0 इंटू 12 आ जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ तो 2 4 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और ये 12 2 24 और प्लस का 12, यहाँ कितना हो जाएगा 0 और प्लस का 0, यहाँ से 0 हो गया और प्लस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 2 6 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 आ जाएगा। ये अभी बच्चों ये निकला है ए स्क्वायर, लेकिन लेना है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो रख देते हैं इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू बी में रख देते हैं। तो ए स्क्वायर अभी निकल गया है 4 36 और 0 1, बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 4 है, एक्स है और कितना है 0 1। देखो इसके एलिमेंट 0 1 तो यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब 4 भी मिल रहा है यहाँ पे, तो एक्स कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो एक्स कल तो 36 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। If A equal to matrix 2, 5, 1, 3 and B equal to matrix 4, minus 2, minus 1, 3 and I is the identity matrix of the same order and A transpose is the transpose of a matrix A, find the A transpose into B plus B into I. तो सबसे पहले हम A transpose into B निकालना चाहेंगे, A ट्रांसपोज इन टू बी निकालना चाहेंगे। तो चलिए A ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चल जाएंगे, तो 2 और 5 ऐसे लिखा हुआ है तो 2 और 5 ऐसे लिखा जाएगा, 1 और 3 ऐसे लिखा है तो ये 1 और 3 ऐसे लिखा जाएगा, ये A ट्रांसपोज निकल गया। और B जो है आपका दिया ही है कितना 4, माइनस 2 है, माइनस का 1 है और 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू माइनस 2 आएगा, फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा, चलिए 5 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 2 होगा, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा, चलिए और सिंप्लीफाई करिए, ये कितना जाएगा 4 2 8 हो गया और माइनस का 1 आ गया, और यहाँ 2 2 माइनस का 4 आएगा लेकिन, और प्लस का 3, यहाँ से 5 4 20 और माइनस का 3, यहाँ से 5 2 10 विद माइनस साइन और 3 3 9 आ गया। चलिए कितना आ गया यहाँ पे 8 और -1 7 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा और यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा। चलिए ये तो जो निकला है आपका क्या निकला है बच्चों, A ट्रांसपोज इनटू B निकला है, अभी हमें बी आई भी निकालना है, बी आई तो पहले बी लिख दीजिए, बी कितना है 4 है, माइनस का 2 है, माइनस 1 है और 3, आई सेम ऑर्डर का है तो 1 0 0 1 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी भी, तो 4 × 1 आएगा 4 × 1 प्लस माइनस 2 × 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 × 0 हो जाएगा प्लस माइनस 2 × 1 आ जाएगा, चलिए यहाँ -1 × 1 आएगा, फिर 3 × 0 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे माइनस वन इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू वन आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको बच्चों, ये आ जाएगा फोर प्लस का जीरो, यहाँ से जीरो माइनस टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन और प्लस जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो प्लस थ्री हो जाएगा। चलिए इसको अब यहाँ लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, बी आई निकाल लेते हैं बच्चों। तो कितना हो गया ये, जीरो प्लस फोर तो फोर ही रहेगा, और इधर माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन आ गया है, और यहाँ पर थ्री आ गया है। ये मैट्रिक्स बी आई आ रही है, लेकिन हमें जो निकालना था वो निकालना था ए ट्रांसपोज इंटू बी प्लस बी इंटू आई। तो चलिए दोनों को प्लस करना है, ए ट्रांसपोज बी ये दिया हुआ है बच्चों, ये लिख लेते हैं। ये है सेवन माइनस वन और सेवनटीन, और कितना है बच्चों, माइनस का वन, प्लस का बी आई जो आया ये फोर माइनस टू आया है, माइनस का वन और थ्री आ गया है। अब इसको प्लस करना है बच्चों, तो ये आ जाएगा सेवन प्लस का फोर माइनस का वन माइनस का टू, और यहाँ सेवनटीन है माइनस का वन आ जाएगा, और यहाँ से माइनस वन है और प्लस का थ्री आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करिए इसको, सात ये सेवन और फोर इलेवन हो गया, माइनस का यहाँ थ्री आ जाएगा, और ये सिक्सटीन आएगा, और ये टू आ जाएगा। यानी ये ए ट्रांसपोज इंटू बी है, प्लस का बी इंटू आई है। यहीं पर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। आज बच्चों बस इतना ही ध्यान दे रहा हूँ, आगे हम लोग शेष पार्ट करेंगे अगले पार्ट में। नीचे जब तक जो है लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।